हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पहली बार फुल लेंथ वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। मैंने यूट्यूब पे बस कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है और शॉर्ट्स ही अपलोड कर रही थी अभी तक। लेकिन मैं जैसे डिज़ाइन वर्क्स के वीडियो बनाती हूँ, वो शॉर्ट्स में पूरा दिखाना थोड़ा मुश्किल है। ये पूरा दिखाया नहीं जा सकता, तो मैंने सोची कि पूरा वीडियो ही डाल दूँ जहाँ पे मैं कैसे ये डिज़ाइंस बनाती हूँ वो आप सब देख सके। और मैं ये पहली बार वॉइस ओवर भी दे रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ। शॉर्ट्स में तो कुछ म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट्स अभी तक यूज़ कर रही थी, बट कॉपीराइट की एक डर रह जाती है मुझे। अभी तक ये सब प्रोसेस और क्या है ये नहीं पता है। सच न्यू कमर हूँ तो कॉपीराइट की एक डर रहती, इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ। ये बनाते हुए क्या ही बताऊँगी, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो भी मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल रैंडम होती है। कोई टेम्पलेट या कुछ देख के तो नहीं बनाती हूँ ना, तो एज सच प्रोसेस भी नहीं बता पाऊँगी। और मन में जो भी आता है उस मोमेंट पे तो वही सब करती हूँ। बस एक थिंकिंग पहले से रहती है। जैसे कि अभी मैं अल्फ़ाबेट्स को बना रही हूँ, तो सीक्वेंस मेंटेन कर रही हूँ। जैसे कि आप मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि मैं ऐसे ए बी और सी डी ये सब अभी तक कर रही थी, और अब ये जी बनाने की कोशिश चल रही है। इसी तरह जेड तक करना चाहती हूँ, और भी काफ़ी सारे नए नए चीज़ें मैं ट्राई करूँगी आगे, और आपसे शेयर भी करूँगी। और अब ये भी चल रही है काम। लेकिन हाँ, ये जो रैंडम थिंकिंग है ना, जी बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर एक थिंकिंग काम करती है कि जैसे जैसे चल रहा है वैसे ही जी होगा भी या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या, बस ऐसा। क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस भी नहीं किया और करती भी नहीं हूँ। ये बिल्कुल रैंडम एक चीज़ है, जो कि मैं ये सब पसंद भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे कॉपीज में, नोट्सबुक्स में, डायरीज पे, मैं जहाँ पे भी कुछ भी पढ़ रही हूँ या फिर कुछ काम कर रही हूँ, हाथ हमेशा चलती ही है मेरी। ऐसा ही कुछ बात है कि हाँ, बस ये सब चालू रहती है हमेशा, तो ये एक हैबिट है आप कह सकते हो। तो मैंने देखी कि अगर ये सब मैं रैंडमली कर ही रही हूँ तो क्यों ना इसको थोड़ी सी ढंग से किया जाए और सीरियसली भी किया जाए, तो रिकॉर्ड करके मैं डाल भी सकती हूँ, आप सब देख भी पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये सब डिज़ाइंस मुझे पसंद है एक्चुअली। जो भी आप देख पाओगे आगे आगे, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। दिमाग में ऐसा सोच तो अभी तक है, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। और अगर आप सबको अच्छा लगे तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी इसको कंटिन्यू करने में। तो देखते हैं ये कैसे होता है। और मुझे पता भी नहीं ये वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ ये सही है भी या नहीं। एक वीडियो तो सही है, लेकिन चलो आर्ट जो एक चीज़ है ना, कोई भी ड्राइंग्स वगैरह, डिज़ाइंस, क्राफ्ट, ये सारी एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने आप ही एक यूनिक चीज़ है। और इसको हम अगर एक्सप्रेस करना चाहें इसके भावनाओं को, तो ऐसे कुछ जो वोकल लैंग्वेज आप कह सकते हो, बोल के मैं आपको समझा पाऊँगी ऐसे बात तो नहीं है ना, ये अपने आप में ही कंप्लीट चीज़ है। बस हाँ, एक बैकग्राउंड सूदिंग म्यूज़िक लगे तो कि आपको देखने में भी बहुत ज़्यादा शांति भी लगेगी, क्योंकि ये मन को भी शांत कर देता है बहुत ज़्यादा। जब भी आप कुछ टेंशन में हो, पैनिक कर रहे हो या फिर फुल स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, तो कुछ भी रैंडम, आपको परफेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, बस रैंडमली आप करते जाओ, क्योंकि आपको जज करने वाला कोई नहीं है। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो किसी भी पुराने कॉपीज़ पे या फिर पेपर्स पे, जो न्यूज़पेपर होते हैं जो भी काम के नहीं हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो देखना कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। अब बात है कि यूट्यूब वीडियो में जब मैं वीडियो कर रही हूँ तो
बैकग्राउंड में अगर कुछ ना म्यूजिक हो तो बिल्कुल भी वो वीडियो देखने की मन ही नहीं होता, क्योंकि म्यूजिक का एक बहुत अच्छा इफेक्ट भी होता है। तो हाँ बिल्कुल, वॉइस मैटर करती है, ये मैं भी मानती हूँ। मैं भी जितने भी वीडियोस देखती हूँ उन सब में ऑब्वियसली द म्यूजिक्स दे यूज्ड हैव डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन मी। सो इसी तरह मेरे तरह ही सब लोगों के ऊपर वो म्यूजिक का एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लेकिन हाँ बात है कि म्यूजिक तो काफ़ी सुंदर सुंदर है, हर एक जगह पे अवेलेबल है, मैं देख रही थी। लेकिन उसको मतलब यूज़ करना कितना सेफ होगा, कितना कॉपीराइट फ्री होगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये फर्स्ट हाँ मतलब फुल लेंथ वीडियो होगी मेरी, तो वॉइस ओवर ही करती हूँ। हाँ एक हाँ, मैं भी आगे जाके अपने आप को जज कर पाऊँगी कि आप सबके रिस्पांस के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा कि वॉइस ओवर कितना इम्पैक्ट कर रहा है वीडियो को। क्योंकि अगर ये अच्छा जाएगा तो अच्छा होगा, और अगर वॉइस ओवर इतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो, क्योंकि डिज़ाइंस में मैं प्रोसेस क्या बताऊँ, जो कि मेरा रैंडम थाट्स है, प्रोसेस तो मैं नहीं बता सकती। बट हाँ आगे कुछ वीडियोज़ में अगर कुछ ऐसा करती हूँ कि जिन सब चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता सकती हूँ, तो वो सब तो करूँगी। लेकिन हाँ ये एक रैंडम चीज़ है, मैं आगे क्या करूँगी वो मुझे खुद नहीं पता होता इस मोमेंट पे, तो ऐसे तो बता नहीं सकती। पर चलो कोशिश कर रही हूँ ये करने की, और होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और अभी देखो ये इतने सारे बात करते करते अब ये भी कंप्लीट होने ही वाली है। पहले से आउटलाइन नहीं बनाई थी मैंने, पहले भी बताया तो आप ही बताओ क्या लग रहा है जी। जी जैसा है क्या? थोड़ी बहुत तो लग रही होगी। अब बाकी के अल्फाबेट्स के डिज़ाइन देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।